नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश। वेलकम टू प्लांट केयर गिवर। बारिश का सीज़न है और इस टाइम आप कोई भी पौधा कटिंग से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं वो पौधे दिखाने वाला हूं जिन्हें आप बारिश के मौसम में बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में पहला प्लांट जो आप देख रहे हैं वो है ये मोंस्टेरा का प्लांट। नर्सरी में ख़रीदेंगे तो 100 रुपए से कम में ये पौधा मिलता ही नहीं है। और मैंने भी इसे बहुत सालों पहले कटिंग से ग्रो किया था, तो इस तरह की कटिंग लाइएगा। और इसमें बारिश में एरियल रूट्स पहले से ही आ जाते हैं और इन्हें ग्रो करने के लिए वेल ड्रेन सॉइल बनाइएगा, जिसमें आप 50% गार्डन सॉइल दे सकते हैं, 30% आप सैंड दीजिएगा और 20% आप कंपोस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो केवल सैंड में भी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि सैंड उतना ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं मिलता, तो मैं 30% सैंड तो मिला ही लेता हूँ ताकि मिट्टी विल्ड्रेन हो जाए, उसमें पानी इकट्ठा ना हो, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर हो सब होल के थ्रू बाहर चला जाए। और देख सकते हैं इस तरह से ज़्यादा लीफ नोड को मिट्टी में दबाइएगा और लगभग 10 डेज़ में बारिश के सीज़न में ये ग्रो हो जाएगा। दूसरा ये आप देख रहे हैं, इसे एपिफाइलम कहते हैं या फिर बहुत से लोग इसे मोंस्टेरा ही कहते हैं। और ये इसकी पत्तियां भी इस तरह से कटी होती हैं और ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया है, देख सकते हैं, मतलब पूरी ज़मीन में ये फैला हुआ है। और अब ये देखने में मोंस्टेरा का मनी प्लांट ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि इसे कटिंग से ग्रो कर लेता हूँ। और जब आप इसे कटिंग से ग्रो कर लेंगे तो 1 साल के अंदर ही इन पौधों पर जो है वो कट्स, इनके पत्तियों पर कट्स आने लगते हैं। तो इस तरह की कटिंग लीजिएगा। और ये तो काफ़ी बड़ी कटिंग हो गई है, तो इसके मैं 2-3 पीसेस कर लूँगा और सभी को ग्रो कर लूँगा। फ़िलहाल छोटे कंटेनर में ग्रो करूँगा और जैसे जैसे ये इनकी रूट्स अच्छे से जब डेवलप हो जाएंगे तो इन्हें बड़े कंटेनर में ग्रो कर लूँगा, क्योंकि अगर आप इन्हें छोटे कंटेनर में ही रहने देंगे तो पत्तियों में कट्स नहीं आएंगे, ये केवल मनी प्लांट की तरह ही ग्रो होता रहेगा। तो देख सकते हैं इसके भी कम से कम 1 लीफ नोड को मिट्टी में दबाइएगा। लीफ नोड वो पार्ट होता है जहाँ से पत्तियाँ आती हैं और वहीं से जड़ भी आती है, जहाँ से पत्तियाँ आती वहीं से जड़ आती है, तो 1 लीफ नोड तो कम से कम सॉइल में दबा होना ही चाहिए। और इसके बाद आप जो है वाटरिंग करिए, आप चाहे तो रेन वाटर हार्वेस्ट करके रख लीजिए और उसका यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी आपको जो है वो कटिंग का रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस लिस्ट का तीसरा प्लांट है परकेरिया। देख सकते हैं दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है, फोलियज प्लांट होता है और पार्क से मैं चुरा कर इस पौधे को लाया था। तो इस पौधे में भी देख सकते हैं काफ़ी सारे पौधे हुए हैं। अगर मैं इन्हें डिवाइड करूँ तो कम से कम 20 से 25 पौधे मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास कंटेनर बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने उस टाइम पे 4-5 पौधे बनाए थे, 4-5 लोगों को दे दिया है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि और इसके पौधे बना लूँ, तो 1-2 दिनों में मैं रील शेयर करूँगा तो काफ़ी सारे पौधे मैं बना लूँगा और अपने नेबर्स को, अपने दोस्तों को बांट दूँगा। इसमें अगला प्लांट जो आप देख रहे हैं इसका नाम चाइनीज़ वायलेट इसे कहते हैं। बहुत ही सुंदर फोलियज प्लांट होता है। मैं तो बहुत सालों पहले जो है वो वेरिगेटर लाया था, लेकिन उसी वेरिगेटर से ये नॉन वेरिगेटेड भी एक पौधा बन गया है। इसमें बहुत ही सुंदर वायलेट कलर के फ्लावर्स आते हैं, पिक मैं डाल दूंगा, आप देखिएगा, बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर्स होते हैं और पूरा पौधा फूलों से जब लग जाता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। और आपको ये लग रहा होगा चिकनी मिट्टी, लेकिन नहीं, ये सैंड है। दरअसल बारिश हुआ था, मिट्टी गीली थी, तो आपको लग रहा है ये सैंड है। इसमें कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, तो इन कटिंग को ग्रो करने के लिए मैंने केवल सैंड का यूज़ किया है। तो जो भी सॉइल मिक्स मुझे मिल जाता है उसका मैं यूज़ कर लेता हूँ, बस मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं होनी चाहिए, पानी उसमें खड़ा नहीं होना चाहिए, तो आसानी से ग्रो हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्लांट जो आप देख रहे हैं इसे मैक्सिकन पिटूनिया कहते हैं। बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी लखनऊ में, तो अभी भी बहुत कम बारिश हो रही है और पौधे देख सकते हैं इस तरह के लोहे के कंटेनर में लगे हुए हैं या फिर बाल्टियों में लगे हुए हैं, तो हीट बहुत ज़्यादा रूट्स को मिल जाती है इस तरह के, जब जो है वो लोहे के कंटेनर में होते हैं तो रूट्स बहुत ज़्यादा हीट की वजह से डैमेज हो जाती है। तो पौधों की इस तरह की हालत कुछ है, और पौधे भी 2-3 सालों से लगे हुए हैं, मैंने इन्हें जो है वो
रिपोर्ट भी नहीं किया है, तो काफ़ी ज़्यादा हालत इसकी बुरी है। तो मैंने सोचा कि इसकी मैं कटिंग ग्रो कर लेता हूँ और एक नई सीरीज़ मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ अपने चैनल पर, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल देख सकते हैं बहुत सारी मैंने कटिंग्स लिया है और सभी को मैं एक ही कंटेनर में ग्रो कर लूँगा। और जब इन्हें ये ग्रो हो जाएंगे तो लगभग 10 डेज़ या 15 डेज़ बाद मैं आपको इन सबका रिज़ल्ट भी शेयर करूँगा। और अगर मैं शेयर ना करूँ तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। कई बार हम काफ़ी बिज़ी रहते हैं, स्टूडेंट भी है तो टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि समय समय पर लॉन्ग वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँ। लॉन्ग वीडियो के लिए टाइम ही बहुत कम मिलता है। तो देख सकते हैं सभी को मैंने एक ही कंटेनर में लगा लिया है। और समर का सबसे सुंदर प्लांट तो मुझे ये पोर्चुला का ही लगता है। बहुत सारे कलर में भी मेरे पास है और बहुत सालों पहले मैंने ग्रो किया था, ऑनलाइन परचेस किया था, और हर साल ये मेरे गार्डन में बने रहते हैं और कटिंग लगाकर मैं काफ़ी सारे इनके बना भी लेता हूँ। तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर इसके प्लांट लगते हैं। ये पर्सलेन है, कुल्फा भी इसे कहते हैं। तो देख सकते हैं इसके लिए मैंने अलग सॉइल मिक्स यूज़ किया था। दरअसल इस कंटेनर में कोई पौधा लगा हुआ था तो बारिश की वजह से वो गल गया। बारिश के सीज़न में हमारे बहुत सारे पौधे ख़राब भी होते हैं। गर्मियों में जब बहुत जून जुलाई में भी बहुत पौधे ख़राब होते हैं, तो इस गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही मेरे पौधे ख़राब हो गए, खासकर हिबिस्कस के। जितने भी पौधे थे, दो पौधों को छोड़कर 4-5 हिबिस्कस के पौधे मेरे ख़राब हो गए, 2-3 कनेर के पौधे ख़राब हो गए, तो बहुत सारे फोलियज प्लांट हावर्थिया वगैरह भी ख़राब हो गए, कैक्टस भी ख़राब हो गए। तो इस साल की गर्मी बहुत ज़्यादा रही। और ग्रीन नेट वगैरह मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो अगले साल मैं ज़रूर ही यूज़ करूँगा ताकि मेरे पौधे ख़राब ना हों। और ये जो आप देख रहे हैं इसे पोर्चुलाका कहते हैं। और सभी पौधों को ग्रो करने के लिए वेल ड्रेन सॉइल ही ज़रूरत होती है। वेल ड्रेन सॉइल जैसे कि मैंने बताया था, 50% आप गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 20 से 30% आप सैंड ले सकते हैं, और 20% आप कंपोस्ट ले सकते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो मैं डालता हूँ, एक एक दो दो मुट्ठी या फिर एक एक दो दो चम्मच कंटेनर के हिसाब से, नीम खली हो गया। इसके अलावा अगर आप बोन मील चाहे तो बोन मील डाल सकते हैं, और फंजीसाइड का भी यूज़ करें। फ़िलहाल इन कटिंग को ग्रो करने के लिए मैं कोई भी रूटिंग हार्मोन्स या फिर फंजीसाइड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये इतने हार्डी पौधे होते हैं कि ऐसे ही ग्रो हो जाते हैं। ये जो आपने देखा था इसको कहते हैं रियो। बहुत सालों से मेरे गार्डन में है। बहुत सालों पहले मैं किसी के शॉप के बाहर लगा हुआ था, तो कटिंग पूछ कर ले आया था। तो मेरे गार्डन में जो मैं आज इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, उसके 99% जितने भी प्लांट हैं वो सभी फ्री में ही मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हैं। एक आध वगैरह पौधे हैं जो कि मैंने नर्सरी से परचेज़ किया था, जैसे कि चाइनीज़ वायलेट मैंने बताया था। हालांकि वो भी बाद में मुझे एक पार्क में दिखा था, क्योंकि मेरे पास पहले से था तो मैं नहीं लेकर आया था। पार्क वगैरह में जब आप जाते हैं तो वहाँ के जो माली वगैरह होते हैं, समय समय पर वो पौधों की कटाई छटाई करके फेंक देते हैं, तो आप पूछ कर उनसे ला सकते हैं। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं इससे कहते हैं पर्पल हार्ट। पर्पल कलर का ये जो है वो प्लांट होता है, बहुत यूनिक साइज का कलर होता है, और हार्ट शेप में, पर्पल कलर के हार्ट शेप में इस पर फ्लावर्स आते हैं, जो कि अभी तो फ़िलहाल नहीं आ रहे। जब आएंगे तो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे गार्डन में नहीं आ रहे हैं, और कभी खिलते भी होंगे तो छत पर जाना काफ़ी कम होता है सुबह मॉर्निंग में, और शाम को ही मैं पानी वगैरह डालने जाता हूँ, तो मैंने तो बहुत दिनों से इनके फ्लावर्स नहीं देखे हैं। जब भी कटिंग लगाएं पानी ज़रूर डालें। आप रेन वाटर भी डाल सकते हैं या फिर टैप वाटर भी डाल सकते हैं। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये सिंगोनियम। बहुत ही सुंदर ये पौधा होता है, बहुत सारे कलर ऑप्शन में मिलता है, और अगर आप इसे ज़्यादा धूप में रखते हैं तो देख सकते हैं कलर अलग होता है, और जब आप इसे शेड में रखते हैं तो कलर अलग होता है। तो लोकेशन के हिसाब से पत्तियों का कलर जो है वो डार्क और लाइट होता जाता है। इसे जब आप कटिंग लेंगे तो इसमें एरियल रूट्स आए हुए होते हैं, तो ये कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके अलावा पूरे साल अगर आपसे मनी प्लांट नहीं ग्रो होता है तो बारिश के सीज़न में ट्राई करिएगा, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। देख सकते हैं पत्तों का साइज़ काफ़ी बड़ा है। कुछ लोग पूछते हैं कि आपके मनी प्लांट के पत्ते का साइज़ कैसे बड़ा होता है। हालाँकि इससे भी बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन जैसे जैसे इसकी हाइट जो है वो बढ़ती जाती है, ग्रो करता जाता है, वैसे वैसे पत्तों का साइज़ छोटा होता जाता है। तो इसमें कोई वो नहीं है, अगर पौधे जो है वो दीवार के
जो सपोर्ट में आ जाते हैं या फिर पौधों पर चढ़ जाते हैं, तो पत्तों का साइज़ बढ़ ही जाता है। न्यूट्रिएंट्स की जब कमी होती है तो पत्तों का साइज़ छोटा होता है, न्यूट्रिएंट्स जब इन्हें अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं तो पत्तों का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। और गमलों में पत्तों का साइज़ बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप चाहते हैं मनी प्लांट का पत्ता आपके गमले में भी बड़ा हो, तो आपको बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट लाना पड़ेगा, हालांकि वो भी छोटे पत्तों के मनी प्लांट से ही बनता है। तो देख सकते हैं 3 से 4 लीफ नोड को मैंने सॉइल में दबाया है और ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। इसके अलावा ये जो आप पौधा देख रहे हैं बहुत ही सुंदर पेंसिल कैक्टस इसे कहते हैं, इसे भी मैं एक गवर्नमेंट स्कूल था वहाँ से मैं लेकर आया था। तो बहुत सारे पौधे मेरे गार्डन में फ्री में ही हैं, जहाँ कहीं मुझे पौधे मिल जाते हैं मैं जो है वो पूछ कर ले आता हूँ, कभी कभार चुरा कर भी ले आता हूँ जो कोई नहीं होता है। हालांकि मैं पौधे को डैमेज नहीं करता हूँ, 1-2 कटिंग ही लाता हूँ, या फिर ज़्यादा होती है वहाँ पर तो ज़्यादा भी ले आता हूँ और अपने नेबर्स वगैरह को बांट देता हूँ, वो दूसरों को बांटते हैं। तो इसी तरह से पौधे सब एक्सचेंज करते रहते हैं और पर्यावरण को और भी हरा भरा बनाते रहते हैं। तो मैं तो पौधों को बहुत ज़्यादा बांटता हूँ अपने नेबर वगैरह में, और जब मेरी इंटर्नशिप लगती थी तो सरकारी स्कूल वगैरह में भी मैं बहुत सारे पौधे लगा कर आता था। तो देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं इसे युक्का कहते हैं, वेरीगेटेड युक्का कहते हैं, और इसके रूट से ही नए पौधे निकलते रहते हैं जिसे आप कट करके अलग करके ग्रो कर सकते हैं। ये भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हालाँकि देख सकते हैं धूप वगैरह बहुत ज़्यादा थी तो थोड़ी सी हालत ख़राब है, लेकिन मरता ये बिल्कुल भी नहीं है, बहुत हार्डी पौधा होता है। इसे भी मैं एक पार्क से ही कटिंग लेकर आया था और मैंने इसे ग्रो किया था। तो मेरे गार्डन में बहुत सारे पौधे हैं जो कि मैं पार्क से ही लेकर आया था, हालांकि मेरे घर के आसपास कोई भी पार्क नहीं है। तो दूर वगैरह जो पार्क थे जहाँ पर नर्सरी वगैरह लगती थी उसके आसपास जो पार्क होते थे वहाँ मैं चला जाता था अपने शुरुआती दिनों में, तो वहीं से मैं पौधे लेकर आता था, चुरा कर लेकर आता था, माली से मांग कर लेकर आता था। तो इसी तरह से मैंने अपने शुरुआती के दिनों में बहुत सारे पौधे फ्री में ही ऐड किए थे, क्योंकि उस टाइम पर जो है वो पैसे वगैरह नहीं होते थे। लेकिन अब तो इंस्टाग्राम हो गया या फिर यूट्यूब हो गया, इससे थोड़ा बहुत पैसा जो है वो मुझे मिल जाता है, उसी से मैं पौधे जो है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन थोड़े बहुत ख़रीद लेता हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे गार्डन में अच्छे लगेंगे, या फिर वीडियो वगैरह भी बनाना होता, कंटेंट वगैरह भी बनाना होता, तो उसके चक्कर में भी नए नए पौधे खरीदने पड़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं अगावे इसे कहते हैं या फिर अगेव भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं इसे डेविस बैकबोन कहते हैं, बहुत सारी वेराइटी इसमें आता है और बहुत ही सुंदर लगता है। मैंने जब इसे कट कर लिया तब मुझे याद आया कि इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला था, लेकिन चलिए कटिंग ग्रो हो जाएगा तो अगर मदर प्लांट ख़राब हो गया तो कम से कम 1-2 पौधे तो गार्डन में बने रहेंगे ही, इसीलिए कटिंग ग्रो करना समय समय पर बढ़िया रहता है। इससे पौधा आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाता है। इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो लीफ नोड बहुत पास पास है, तो 4 से 5 लीफ नोड आप सॉइल में दबा दीजिए, वीडरिंग सॉइल में दबा दीजिए और आसानी से ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं मैंने बहुत सारे पौधे आपको दिखा दिए हैं जो कि आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये लास्ट है, इसे अजवाइन कहते हैं। पेट के रोगों में इसके पत्तों को जो है वो चाय बनाकर पकौड़े बनाकर जो है इसका सेवन किया जाता है। बासी मुँह भी अगर आप इसके पत्तों को खा लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया रहता है, गैस वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है। हाँ, आप अपने डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं तभी खाइएगा। टेस्ट जो है वो थोड़ा सा अजवाइन जैसे आप खाते हैं उसी की तरह का टेस्ट होता है, इसीलिए इसे अजवाइन प्लांट कहते हैं। हालांकि जो किचन में अजवाइन होता है उससे आप इसे ग्रो नहीं कर सकते हैं, इसे ऑर्नामेंटल अजवाइन कहते हैं, और इसे इसी तरह से कटिंग से ही आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जल्दी हिबिस्कस वगैरह बोगनवेलिया प्लांट को आप कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं, या फिर कहें फ्लावरिंग प्लांट को कैसे ग्रो कर सकते हैं, उस पर भी मेरा वीडियो आने वाला है।